काफी अच्छे से रूटर लगा हुआ है। सब्सक्राइब करें उधम बैस लांग जी चैनल को, दबाए नोटिफिकेशन बेल को ट्रैक्टरों के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इसका वोटा की वीडियो के साथ में फिर से। तो दोस्तों आज इसे हम रूटर में चला रहे हैं। भाई कौन से गियर लगाएंगे? लो के पहले में। तो दोस्तों फिलहाल इसे हम लो के पहले में चला रहे हैं और फिर इसे हम दूसरे किलो में भी चला करके देखेंगे और एक चक्कर के लिए तीसरे किलो में भी लगवा करके देखेंगे। और चार सिलेंडर ट्रैक्टर है इतना मैं बता दूं। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लो के पहले में चला हुआ है। और रूटर काफी लगा हुआ है, देख सकते हो आप। तो कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा चल रहा है ट्रैक्टर और कैसी लगी वीडियो और कौन से ट्रैक्टर के आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताया करो दोस्तों। ये देखिए, और दोस्तों हम भाई से कहेंगे कि इसके दोनों लीवर डालकर एक बार चला करके दिखाएं। ये देखिए, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि कौन सा सीन और कैसा सीन कब मौके पा जाए स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये कवोटा MU4501 है जो कि 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और 45 पावर का है। कब तो दोस्तों बीच में जो इसकी कपलिंग है क्रॉस बोलते हैं वो निकल गया था और हम फिर से ट्रैक्टर को चलाएंगे। और हमने ट्रैक्टर को दोबारा से चला दिया है वही पहले के लो में। और मैं आप लोगों को ऊपर कर बैठ के दिखाऊंगा, दोनों लीवर डाल करके दिखाऊंगा और RPM दिखाएंगे कितना ड्रॉप करेगा रोटावेटर में। ये देखिए आप, आप लोगों को मैं रूटर की लोकेशन दिखा दूं कितना लगा हुआ है कितना नहीं, काफी लगा हुआ है देखो। और अवतार के नाम से रूटावेटर है। ये देखिए, दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी भाइयों से। और कमेंट करके बताना, जहाँ तक भी वीडियो आपने देखी है वहाँ तक भी कमेंट करके बताना। ये देखिए, भाई दूसरे में लगाइए, दूसरे में। और दोस्तों ये दूसरे के लो में है, चाल देख सकते हो आप ट्रैक्टर की। ये देखिए, ये दूसरे के लो की चाल है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए आप, और हम एक बार इसके दोनों लीवर डाउन करके चला करके देखेंगे। ये देखिए,
ये देखना आप, और दोस्तों मैं सभी भाई को बता दूं ये दूसरे किलो में भी काफ़ी अच्छी चाल है, ट्रैक्टर की काफ़ी शानदार चला हुआ है, ये देखिए। और मैं आप सभी भाइयों को बता दूं हूटर की लोकेशन देख सकते हो आप, काफ़ी रूटर लगा हुआ है, मैंने सभी भाइयों को बता दिया क्योंकि ये पहले से और दूसरे के लो में चला हुआ है, पहले से ज़्यादा चाल है दूसरे की, लेकिन आरपीएम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं ट्रैक्टर के, काफ़ी अच्छा चला हुआ है। मैं सभी भाइयों को अब की बार इसका तीसरे के लो की चाल और देखेंगे हम, तो कैसे तीसरे के लो की चाल जनरेट करता है ट्रैक्टर। भाई तीसरे के लो में लगाना, और दोस्तों ये फिलहाल तीसरे किलो में है, ट्रैक्टर बिल्कुल भी आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए आप, काफ़ी अच्छे से रूटर लगा हुआ है, तो दोस्तों ये 2000 आरपीएम पर है, ये देखिए आप 2000 आरपीएम, और दूसरे किलो में चला हुआ है, दोनों लीवर डाउन पड़े हैं देख सकते हो आप, और रूटर की गहराई देख सकते हो, काफ़ी गहराई लगा हुआ है, काफ़ी रूटर लगा हुआ है। अब की बार मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया हूँ और 2000 आरपीएम पर ट्रैक्टर को चलाया था, दोनों लीवर डाउन है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमारे जो भाई ड्राइवर है वो लीवरों से बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा और ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा चला हुआ है, ये देखिए आप, जहाँ पे इन्होंने एक्सीलेटर बनाया था वहीं एक्सीलेटर बिल्कुल जी कद्दू है, बिल्कुल भी आरपीएम ड्रॉप नहीं गई है और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ट्रैक्टर, ये देखिए। और मैं मरगाड़ साइड पे जरूर बैठा हूँ इस पर, देख सकते हो आप, ये देखिए दूसरे किलो की चाल बहुत अच्छी है। तीसरे किलो की मैंने आप सभी भाइयों को दिखाई थी और पहले में तो मैंने दिखाई दी थी आपको, तो दोस्तों मैं अब नीचे उतर रहा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, तीनों गियरों का हमने रिजल्ट दिखाया था, पहले का लो, दूसरे का लो और तीसरे का लो, तीनों गियरों में ट्रैक्टर ने अच्छा रिजल्ट दिखाया था, दोनों लीवर डाउन कर दिए थे, आरपीएम बिल्कुल ड्रॉप नहीं किए ट्रैक्टर ने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी